दोस्तों, यह है चंद्रपुर और यह है चंद्रहासिनी मंदिर जाने का रास्ता। अभी थोड़ी ही देर में चंद्रहासिनी माता और नाथल दाई का दर्शन करेंगे। दोस्तों, मंदिर का मेन गेट है, अभी अंदर चलेंगे माताजी का दर्शन करने। चलिए। यहाँ पर अंदर प्रवेश करते ही श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र छिपाने का दृश्य है। आगे चलते हैं, यहाँ बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पर देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन किए जाने और उसमें से जो विष निकलता है उसे भगवान शंकर जी द्वारा ग्रहण किए जाने का दृश्य है। यहाँ पर माता सती की कथा को चित्रित करती हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर द्रौपदी के चीरहरण करने का दृश्य है। यहाँ पर आगे में बजरंगबली जी की विशाल प्रतिमा है। यह है मां चंद्रहासिनी के मंदिर का द्वार। यहां पर कई सारे श्रद्धालु मां के दर्शन करने आए हुए हैं। जय चंद्रहासिनी मां। अपनी अपनी श्रद्धा और धार्मिक मान्यता अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर के पीछे भाग में सिक्का चिपकाने का प्रयास करते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, इसका वैज्ञानिक तर्क कुछ अलग ही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भगवान शंकर और पार्वती जी के अर्धनारीश्वर रूप की विशाल और आकर्षक प्रतिमा है। दोस्तों, मंदिर के बाहर बच्चों के लिए खिलौने, चूड़ियाँ, फैंसी सामान, फोटो, पूजा पाठ से संबंधित सामान, मालाएँ, नाश्ता सेंटर, इन सब की बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। दोस्तों, महानदी के दूसरे तरफ यह है नाथल दाई का मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने। जय मां नाथल दाई। दोस्तों, मंदिर की परिक्रमा करते करते यहाँ पर विराजमान मूर्तियों के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर है बूढ़ी माई। जय बूढ़ी माँ। यहाँ पर आगे में है गायत्री माता की मूर्ति। जय दुर्गा माँ। दोस्तों, ये महानदी है, अभी बाहर निकलकर आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पर विराजमान है समलई माता। जय मां समलई। दोस्तों, अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अभी आपको महानदी दिखाता हूँ। इसे शायद आगे से बांधा गया है, इसलिए यहाँ पर पानी लबालब भरी हुई है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, ये हम अभी नाथललाई मंदिर तरफ खड़े हैं और महानदी के उस तरफ, उस किनारे में चंद्रहासिनी मंदिर है। पानी से लबालब भरी हुई नदी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर ज्योति कलश भवन है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय माता की।